मित्रों, मैं सौरभ शर्मा, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज, आरजे न्यूज भारत में आपका स्वागत। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में कर्मचारी नगर में बन रही दुकानों पर कब्जा करने की जा रही साजिश, जान से मारने की दी धमकी। आपको बताते चले कि बरेली में कोरोना काल में भी कब्जा करने वाले लोगों का ध्यान नहीं हट रहा है। वहीं पे ताजा मामला बरेली कर्मचारी नगर के राधिका इंक्लेव कॉलोनी में बन रही दुकानों को लेकर असामाजिक तत्वों द्वारा दुकानों को बनवाने को लेकर आपत्ति उठाई जा रही है। बता दें कि बीजेपी नेता राज जागरण संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कमल जगवानी की दुकान 3 साल पहले बन चुकी है, जिसको लेकर काफी वहां के लोगों ने आपत्तिजनक दुकानों पर कब्जा करने लेकर विरोध करना शुरू कर दिया। जबकि बीडीए से अप्रूव्ड होने के बाद, लीगल कागज होने के बाद, परमिशन होने के बाद भी लोग आपत्ति करते हुए देखे जा रहे हैं। जानकारी होते हुए दूसरे पक्ष के लोग लीगल कागज नहीं दे पाए। बरेली से अजय चंद्रा की एक रिपोर्ट। ऊपर से काम रोक दो भाई, ऊपर वाले काम नहीं तो रोक दो, आगे अपनी साफ सफाई करा। और बोलो भैया, हाँ हम तो साहब के पास फोन करेंगे, ये लोग उधर करेंगे तो वो तो आएगा ही भैया। जी क्या नाम है आपका? कमल जगवानी नाम है मेरा। क्या बात है? जी, और ये मेरी अपनी बिल्डिंग बन रही है जिसमें वीडियो में कंपाउंडिंग भी जमा कर दी गई है। जी, कुछ असामाजिक तत्व इस प्लाट को खरीदना चाहते हैं उन्हें पोने में, और हम बेचना नहीं चाहते, इसलिए इसे 2018 से लेकर आज 2021 आ चुकी है। लिखित में मेरे पास जिसकी परमिशन है, बिजली विभाग ने भी पैसा जमा करा लिया, और पैसा कैसे जमा होता है ये भी सबको मालूम है, और सब जमा होने के बाद भी तरह तरह की परेशानी की जा रही है। ये कहा जा रहा है प्लाट हमें दे दो, और मैं किसी कीमत पे देने का तैयार नहीं हूँ, चाहे मेरी लाश यहाँ पे। कौन है ऐसे लोग जो मतलब आपको जो है लेना चाहता? त्रिवेणी इंक्लेव के कुछ 4-6 लोग हैं जो किसी बात को सहमत भी नहीं होना चाहते और किसी बात को करना भी नहीं चाहते, तो आगे, और आगे आप 10 बार बैठने के बाद भी उनका कोई ना कोई विरोध इस पर रहता है। आप क्या चाहते हैं? मेरा ये कहना है, मुझ पुलिस सुरक्षा पुलिस के पास भी तहरीर पहुंच गई है, मैंने अपने नाम दर्ज करने में अपने पुलिस को बता दिया गया है, जिसको जो करना है वो कार्रवाई करे, और मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। मेरी हत्या की भी साजिश रची जा रही है, और मेरी हत्या भी हो सकती है, मुझे आशंका है। अगर मुझे यहाँ पे कुछ होता है तो पुलिस को वो जो नाम मैं दिए हुए हूँ उनको दिखवा लिया जाए, और वही लोग इसके जिम्मेवार होंगे। ठीक, आज जो ये खबर आई है, क्या है, क्या दिक्कत है ये दुकानें बनने को लेकर, क्या परेशानी आ रही है? ये दुकानों का निर्माण कराया गया, जैसा कि ये प्रतीत भी हो रहा है देखने से, और पब्लिक की बारे में कराई जाती है कि ये आगे बढ़ के बनाई गई हैं, डाली का निर्माण करके उसको बंद करके बना ली गई, नाली दिखाई दे रही है। तो लेके त्रिवेणी कानूनी सोसाइटी ने बरेली विकास प्राधिकरण में अपनी एक शिकायती पत्र दिया था, और एक नगर निगम बरेली को प्रतिष्ठा पत्र दिया गया। बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा इस भवन को सील करने की कार्रवाई की गई थी, उसके बाद में आज इस पर फिर कार्रवाई हो रही है, और आज लॉकडाउन के कारण ये कार्य हुआ। मैंने आने के बाद यहाँ से बात भी किया है, कुछ दिन अगर आगे बढ़ जाता तो बेहतर होता, लॉकडाउन के अंतर्गत ये कार्य नहीं होना चाहिए क्योंकि इसकी परमिशन भी नहीं होगी। उसके बावजूद बाहर से इतने जो लोग आए हुए हैं, ये आना बिल्कुल उचित नहीं है, किसी के पास भी किसी कार्य की कोई परमिशन नहीं है, और अनावश्यक रूप से यहाँ पर विवाद होता दिख रहा है। नाली की ऊपर से भवन स्वामी द्वारा अपनी गलती को मानते हुए उसका स्लैब तोड़ा जा रहा है, जिसके नीचे से पुरानी बनी हुई नाली निकल रही है जो दिख रही है। उसके बाद में एक समस्या बनी हुई है, बिल्डिंग के बरेली विकास प्राधिकरण के निवासी हैं,
ठीक है, इन्होंने ये जो दुकानें इन्होंने बनाई हैं, आप इधर को दिखाइए, इधर भाई साहब दुकानें हैं। जी जी दिखा रहे हैं, जो सभी दुकानें हैं ये इन्होंने दुकानें अवैध निर्माण पर की गई हैं, ये बिल्कुल अवैध हैं, जो कि ऑन रोड पर बनाई गई दुकानें हैं, ठीक है, ये अवैध दुकान है और ये इसको BDA ने दो बार सील कर चुका है, जिसका बाहर से गुंडे बुलाए रखे हैं। इधर देखिए, ये बाहर के गुंडे आए हुए हैं, ये सब लोग बाहर के हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, सब बाहर के गुंडे इन्होंने बुला रखे हैं हम लोगों को मरवाने के लिए, और हमको कई बार धमकी दे चुके हैं कर्मचारी नगर पूरे त्रिवेणी अंकले पालों को गोली से मार देंगे यहाँ पर जो आएगा। ये BDA की कंपाउंडिंग रसीद BDA जो कंपाउंडिंग रसीद देता है BDA वाला, वो ये बिजली विभाग का परमिशन, इसकी आज BDA की परमिशन मान रहे हैं और कल ये BDA विभाग का परमिशन लेटर, अगर जो यही BDA ने परमिशन इनको दी तो यही BDA आके क्यों रुकवा के गया, मैं उसके लिए जाके मिल लूंगा। और ये देखें आप, बिजली विभाग की परमिशन और पिछले 3 साल से खंभा पड़ा है, सरकारी खंभे कैसे आते हैं, सरकारी खंभा रोड पे नहीं लगता, आप इधर आके देखिए, आप रोड कहां पे है, ये देखिए इधर आके ये खंभा कहां है और इस खंभे को कहां लगा रहे हैं, उसको भी खत्म कर दिया, ये देखिए खंभे कहां है, ये त्रिवेणी गेट का, ये बहुत पहले का खंभा है, जो कि खंभा भी पुराना जगह नाली के अंदर है, ठीक है, नाली के उस पार है, अब हम इस खंभे को यहां पर लगाएंगे, ये खंभा यहां पे इन्होंने गड्ढा खोदा था रोड के किनारे पर लगाने के लिए, अब रोड के किनारे पर आप ही बताइए, रोड के किनारे पर जब कोई खंभा लगाएगा, ये त्रिवेणी का इधर देखिए गेट दिखाइए, गाड़ियां जब उधर से आएंगी, पब्लिक इधर से आएगी, ये सब लोग दुकान के बैठेंगे, दुकान को खोल के बैठेंगे यहां पर, तो ये बताइए इनके गाड़ी दुकान है, हम 40 फीट रोड छोड़ के बनाने को तैयार है, 40 फुट बोर्ड वाला बुला लिया जाए, नाप लिया जाए, जिस जिसका अनलीगल है वो सब तोड़ दे, मैं भी पूरी तोड़ दूंगा, का गेट भी देख ले, मकान भी देख ले, जो चीने में सब तोड़वाने को तैयार हूँ, हर चीज को आप नपाए हम नहीं नपाएंगे, आप तोड़वाना है आप मेरा तोड़वाए, और जितने गलत बने हुए वो सब तोड़ दिए जाए, बिल्कुल इस बात का सहमत है, आपको मैं दिखाता हूँ, आपको ये दिखाता हूँ BDA ने क्या बार सील किया है, ये देखिए ये BDA का पहले बना हुआ नक्शा, और सील की तारीख के बाद ये कंपाउंडिंग कराई गई है, ये देखिए पैसा जमा कराया गया, ये देखिए इसकी पूरी पानी पेपर की रिकॉर्ड है, कंपाउंडिंग जमीन खोता है, सरकारी जमीन पर कंपाउंडिंग नहीं होगा, सरकारी जमीन पर ही नहीं गई है, तो गिरवाइए BDA से, है तो BDA से गिरवाइए, BDA और पुलिस की मदद लीजिए, ना गुंडागर्दी करने का, ना गुंडागर्दी करने का मुझे अधिकार है, ना कोई और यहाँ गुंडागर्दी करे, कुछ लोग गुंडागर्दी करके दिखा रहे हैं, जेई साहब खुद इसको सील कर रहे हैं, पुलिस का काम है बंद करना फिर छोड़ना, सील कर रहे हैं, इसके बाद कंपाउंडिंग करा रहे हैं, अगर जो ये अवैध नहीं है दुकान है, तो जेई साहब ने क्यों इसका सील किया, शहर के अंदर सैकड़ों दुकानें अवैध हैं, सैकड़ों पूरे शहर में जाने कितनी कॉलोनियां अवैध हैं, उसको कंपाउंडिंग कराने